मेरा नाम डॉक्टर साइमा सिद्धू है। मैं देखिए, आपको पता ही होगा, इतना न्यूज़ चैनल पे चल ही रहा है कि कोलकाता में एक संगीन काम किया गया है। जो एक मेडिकल रेजिडेंट डॉक्टर थी कोलकाता में, वहाँ पर उसके साथ सेमिनार रूम में ये रेप किया गया है। तो इसके अगेंस्ट आज हम स्ट्राइक पे हैं। आज हमने सारी OPDs सब कुछ बंद कर रखा है और हम उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखिए, आज के समय में इतना बुरा हो चुका है सब कुछ कि अब हम हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं हैं। जहाँ एक फीमेल डॉक्टर से प्रेस करने के लिए एक सेमिनार रूम में बैठी थी, उसके साथ ये घटना हुई है। तो इसके खिलाफ हम प्रदर्शन कर रहे हैं आज। मैं ये मांग करना चाहूँगी कि जब तक इन अपराधियों को कड़ी सज़ा नहीं दी जाएगी, चुप नहीं बैठेंगे। अब इतने सारे हम रेपिस्ट देखते हैं, इतने सारे जो ये अपराध हुए हैं, इनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जाते हैं? इतने समय तक जो है, जो जितने भी अपराधी होते हैं, इनको थोड़े समय के लिए इनको जेल में बंद कर दिया जाता है, कुछ समय के बाद इन्हें छोड़ दिया जाता है। मतलब ये इतना नॉर्मली ले लिया है इन लोगों ने। मतलब हम चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। जब तक इन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक ये अपराध होते रहेंगे और लड़कियां कभी भी सेफ नहीं रह पाएंगी। तो मैं यही चाहती हूँ कि इनके अगेंस्ट जो है, इनको मतलब कुछ सालों के लिए जेल में डालकर इसे इन्हें आप बाहर कर दोगे तो नहीं। हम चाहते हैं इन्हें सीधे मौत की सज़ा सुनाई जाए, ताकि जो है आगे से कभी ये किसी लड़की के साथ ऐसा ना हो। किसी फीमेल डॉक्टर क्या किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए ये। मैं तो यही मांग करूँगी। मेरा नाम डॉक्टर साक्षी शर्मा है। कलकत्ता में हमारी फीमेल डॉक्टर सेकेंड ईयर रेजिडेंट के साथ जो हुआ है, उसके जो जिसने भी इनके साथ ऐसा किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तक सिर्फ एक पर्सन ही को अरेस्ट किया गया है, बट हम चाहते हैं कि इसमें फॉल्स प्ले है और दो से तीन लोग की शायद इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो हम चाहते हैं कि सभी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा मिली जाए उनको। साथ ही हम चाहते हैं कि ये इंसिडेंट क्यों हुआ, ये क्या हाईलाइट करता है कि फीमेल डॉक्टर्स और डॉक्टर्स इन जनरल के पास कोई सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है। उनके वो कोई सेपरेट ड्यूटी रूम नहीं है और सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहाँ प्रेजेंट नहीं थे, तभी ये इंसिडेंट हुआ है। क्योंकि वहाँ पे एक सेपरेट ड्यूटी रूम नहीं था फीमेल डॉक्टर को, उसको सेमिनार रूम में जाना पड़ा रेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गार्ड्स भी नहीं थे जो कि उस इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को ये सब करने से रोक सकता। तो हम चाहते हैं कि चाहे कोई भी मेडिकल कॉलेज है, चाहे हमारा ही मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी सिक्योरिटी मेजर स्ट्रेंथन होने चाहिए। जो डॉक्टर ड्यूटी रूम्स हैं वहाँ पे, यहाँ पे कई बार लॉक्स भी नहीं लगते हैं अंदर, तो प्रॉपर डॉक्टर ड्यूटी रूम प्रोवाइड होने चाहिए। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए, दे शुड बी ट्रेंड, ताकि ऐसा ना हो कि वो सो रहे हों। जैसे यहाँ पे कई बार सो रहे होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स या इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, तो प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड्स होने चाहिए ताकि किसी के साथ ना हो, क्योंकि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है। एंड एक डॉक्टर अपनी काफ़ी ईयर्स, अपने फाइव से एट ईयर्स अपनी लाइफ के देता है टू सर्व द ह्यूमैनिटी। एंड वो लड़की भी किसी की डॉटर थी, वो भी किसी की सिस्टर थी, और ये इंसिडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, तो ये नहीं होना चाहिए। करने के लिए हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं कि जब तक विक्टिम को जस्टिस नहीं मिलता, हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे, और जब तक यहाँ प्रोविजंस बेटर नहीं होते, हम ये स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.